वेलकम बैक टू माई चैनल फैन वागस वांग। सो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम एक एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं एक हफ्ते बाद विंग वांग जी को फ़ोन करता है वांग जी फ़ोन उठाता है विंग बोलता है लानजान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो वांग जी ओके बोल देता है उसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में जा मिलते हैं रान वांग जी पूछता है कि क्या बात है ंग बोलता है hmm. मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता तो वांग जी हाँ मैं सही हिला देता है उसके बाद विंग बोलता है देखो मैंने मैंने जो भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी मुझे पता है मैं गलत हूँ यहाँ पे मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता हूँ मुझे ये रियलाइज़ हो चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ ना कि तुम्हारी बॉडी से अगर तुम बेबी को बट नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं हम बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे ओके हम बेबी को अडॉप्ट कर लेंगे या फिर सरगोसी की मदद से हम लोग बेबी को प्रोड्यूस करवा लेंगे सो so, तुम इसकी टेंशन मत लो ठीक है बट बस तुम मेरे साथ मत छोड़ना तुम तुम मेरे साथ रहना ठीक है हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए प्लीज़ प्लीज़ लाइन जान विंग की सारी बातें वांग जी पूरी तरीके से ध्यान से एकदम सुन रहा था बाद में जाकर जब विंग सारी बातें बोल देता है उसके बाद वांग जी बोलते हैं ठीक है जैसा तुम कहो वैसे भी मैंने आज तक आपकी बात कभी टाली है क्या जो अब टालूंगा तो उसके बाद वांगजी जो है ना वो एक स्माइल करता है एक छोटी सी टूटी थोड़ी सी स्माइल विंग एक गहरी सांस छोड़ता है उसके बाद फटाफट वांगजी के पास जाता है उसे हक हाँ कर लेता है वो बोलता है हम एक हम अडोप्ट करेंगे बच्चे को ओके तुम तुम चिंता मत करो वांग जी हमें सही ला देता है उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर जाने वाले थे मतलब विंग अपने कार में बैठने वाला था वांग जी अपने कार में बैठने वाला था बट विंग जो है ना वो थोड़ा सा मतलब अजीब फील कर रहा था वो सोच रहा था कि वांग जी क्यों उधर जा रहा है वांग जी मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा है तो वो बोलता है कि लांजन तुम मेरे साथ चलो तो वांग जी बोलते हैं हाँ अभी तो विंग बोलता है हाँ फिर वांग जी बोलता हैं मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो विंग ओके बोल देता है उसके बाद वो बैठ के चला जाता है उसके बाद दिन बीतते हैं इसी तरीके से एक हफ़्ता और हो जाता है और विंग अपने ऑफिस में बिजी रहता है पर वो वांग जी का पूरा ख्याल रखता है ऑफ़िस से ही मतलब फ़ोन कॉल करके वांग जी को टाइम टू टाइम बात करता है उसे ख्याल रखने के लिए कहता है लंच करने के लिए कहता है हर एक चीज़ मतलब वो जैसे लवर्स करते हैं ना वैसे करना स्टार्ट कर दिया था और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था वांग जी भी अब समझ रहा था भी इनकी फीलिंग्स को कि वो आखिर वो करना क्या चाहता है इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है वो एक स्माइल के साथ सब चीज़ कर लेता है अगर खुद के ईगो को तोड़ने से अगर एक रिश्ता बच सकता है हमारा रिश्ता बच सकता है तो हम क्यों उस ईगो को बीच में गए फर्स्ट ऑफ ऑल कभी रिश्ते के बीच में ईगो नहीं आता है ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है रिश्ते के बीच में कभी आप लोग ईगो को मत लाइएगा क्योंकि अगर एक ईगो आ जाए ना रिश्ते के बीच में तो छोटी सी दीवार बड़ा बनने में टाइम नहीं लगता है ओके और अपने पार्टनर से हर एक बात शेयर करिएगा एनी बैक टू द स्टोरी फिर वांगजी और विंग अपनी सारी दिल की बातें बातें कर पूरी बातें करते हैं हर एक चीज़ कन्फेस करते हैं उसके बाद एक दिन विंग आ जाता है उसके घर पे उसे लेने के लिए फिर उस उसे ले करके वे मैंसन चला जाता है जहाँ पे वो उसके फैमिली रहता है ठीक है उसके मॉम डैड वहीं पे चला जाता है फिर उसके बाद वो सभी खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर देते हैं बाद में वंग जो है ना वो डिसाइड करता है कि वो आज जाएगा वांग जी के साथ एक बेबी को अडोप्ट करने फिर उसके बाद वो दोनों जाते हैं आ, एक अनाथ आश्रम जाते हैं वहाँ पे जाके कुछ बेबीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे ना उन्हें पता चलता है कि एक बेबी है जो कि करीब वन मंथ का है उसकी जन बर्थ के बाद ही उसका जो है ना मदर का डेथ हो गया था उसके फैमिली मेम्बर में कोई नहीं है डॉक्टर्स उसे संभाल नहीं पा रहे थे इसीलिए उसे अनाथ आश्रम में भेज दिए हैं तो अभी वो तुरंत आया ही है मतलब आ, एक हफ्ता हुआ है उसको यहाँ पे आए हुए तो वांगजी जब ये बात सुनता है तो वो विंग की तरफ देखता है फिर विंग समझ जाता है वांगजी क्या जाता है फिर उसके बाद वो बच्चे को दिखाया जाता है इन दोनों को विंग और वांगजी उस बच्चे को देखते हैं और वो तय कर लेते हैं कि वो इसी बेबी को ले चलेगा मतलब वो इसे इसे ही अडोप्ट करेगा उसके बाद वांगजी और विंग मिलके जितने भी प्रोसेसर हैं वो सभी कंप्लीट करते हैं लीगली सभी चीज़ को कंप्लीट करने के बाद उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं उसके बाद उसे लेकर के अपने घर आ जाते हैं घर आते हैं उसकी फैमिली मेम्बर देखते हैं उस बच्चे को एक तरफ से वो खुश भी थे एक तरफ से दुखी भी थे क्योंकि अपने वंश की बात ही अलग होती है और ऐसे बच्चे को अडॉप्ट करके लेके आए हैं तो कोई बात नहीं चलो जान दो जो है वही सही ऐसे सोच के वो लोग कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं अच्छे से एक पार्टी थ्रो की जाती है अच्छे से तरीके से पूरी सेरेमनी की जाती है और बच्चे का नामकरण किया जाता है तो उसका नाम रखा जाता है वो लोग आयवन वो एक लड़का था एक अल्फा बॉय था उसका नाम आईवन रख देते हैं वो लोग उसके बाद करीब एक से दो महीने बाद वांग जी को चक्कर आना स्टार्ट हो गया था वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि उसे चक्कर क्यों आ रहा है इस दौरान वांगजी और विंग कुछ ज़्यादा ही आम, इंटीमेट होना स्टार्ट कर दिए थे मतलब अब वग को तो पता था कि वांगजी प्रेगनेंट हो नहीं सकता इसीलिए मतलब जब टाइम मिलता तब उसके साथ स्टार्ट हो जाता सो इसीलिए वांग जी जब उसको चक्कर फील होने लगा ना तो वो सोचता है कि लगता है वो कुछ ज़्यादा ही वीक हो गया जिसके कारण से उसे चक्कर आ रहा है तो वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता और किसी को कुछ बताता भी नहीं है इस तरीके से एक दिन अचानक से वो विंग जो है ना ऑफिस से आता है घर इवनिंग के टाइम तो वो देखता है कि वांगजी सोया हुआ है बेड पे तो विंग बोलता है ये कौन सा पोजीशन है भला सोने का क्योंकि वांगजी जो है ना मतलब ऐसा लग रहा था ना कि वो उसका आधा पैर बेड के नीचे था लटका हुआ था और आधा उसकी पूरी बॉडी जो है ना बेड के ऊपर था जैसे होता है ना कि टायर्ड भरा टायर्ड हो अगर हम तो बेड पे आधे लेट जाते हैं ना हम लोग उसी तरीके से वांगजी सोया हुआ था तो विंग जो है ना वांगजी को उठाने की कोशिश करता है बट वांगजी उठता ही नहीं है फिर विंग जो है ना वांगजी के फेस पे पानी छिड़कता है फिर भी वांगजी नहीं उठता है तो विंग जो है ना काफ़ी डर जाता है उसके बाद वो डॉक्टर को बुला के लेके आता है मतलब उसे फ़ोन करता है डॉक्टर आते हैं वांग जी को चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि ये सब कब से हो रहा है इनके साथ तो विंग बताएँ क्या मतलब कब से हो रहा है मुझे नहीं पता मैं मुझे तो इसने कुछ बताया नहीं और लेकिन ये उठ क्यों नहीं रहा है तो डॉक्टर बताते हैं कि एक्चुअली ये बेहोश हो गए हैं कमजोरी की वजह से इनकी बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं था इसीलिए वो बेहोश हो चुके हैं आप लोग ध्यान नहीं देते ऐसे हालत में भला आप इन्हें वीक कैसे रहने दे सकते हैं तो विंग बोलते हैं अच्छा क्या? आ, क्या क्या कै कैसे हालत डॉक्टर आप क्या बोल रहे हैं तो जो डॉक्टर रहते हैं ना वो बोलते हैं क्या आप लोग को पता नहीं ये मिस्टर मिस्टर वे आपको क्या पता नहीं आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है ये सुनते ही वी पूरा सॉक्ट यहाँ तक कि वहीं के मदर फादर भी सॉक्ट एकदम शॉकिंग होकर के वो आंगजी को देखते हैं फिर डॉक्टर को देखते हैं फिर वांग जी को देखते हैं फिर डॉक्टर को देखते हैं फिर विंग पूछता है कि क्या आप सच बोल रहे हो तो वो डॉक्टर बोलता है, यस ये प्रेग्नेंट है, और इस हालत में इन्हें इतना वीक नहीं होना चाहिए इनकी इतनी वीकनेस बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इनके आ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिसकैरेज होने का फिफ्टी परसेंट चांस है ये सुनते ही विंग जो है ना घबरा जाता है और तो बोलते नहीं 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 डॉक्टर से मैं पूरा ध्यान रखूंगा अब चिंता मत कीजिए तो डॉक्टर बोलते हैं आपके लिए यही सही होगा कि आप अपने ओमेगा का पूरी तरीके से ध्यान रखिए ऐसा बोल के वो फिर कुछ मेडिसिन लिखता और वो बोलता है मैं ये कुछ मेडिसिन दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा इनकी कमजोरी जो है ना इनकी जो बॉडी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और ऐसा बोल के वो मेडिसिन मेडिसन दे देता है लिख कर और बोलता है मेडिकल से मंगवा लीजिएगा ऐसा बोल के वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है उसके बाद मिस्टर वे, आ, मिस्टर वे बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि वांग जी प्रेग्नेंट है फिर मि, जो मिसेस वे रहती है ना वो बोलती हैं मुझे खुद नहीं पता था और वा, वांग जी उस क्या वांग जी को पता था फिर वो बोलते मतलब विंग बोलता है अगर उससे पता होता तो हमें बताता था शायद उसे भी नहीं पता था तो ये सोच के ना सभी एक दूसरे को देखते हैं उसके बाद सब लोग खुश हो जाते हैं थोड़ी देर बाद वांगजी को जब होश आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा वीक फील हो रहा था मिसेस वे जो ने -फट है ना फटाफट जूस लेके आती हैं और वांग जी को बोलती है इसे पीने के लिए वांग जी जूस पीता है उसके बाद वंग जो है ना उसे मेडिसिन देता है पूछता है वांग जी की ये कैसा मेडिसिन है तो वींग बोलता है कि तुम पहले पियो मैं बताता हूँ उसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना वो मेडिसिन को खाता है और उसके बाद वो विंग से पूछता है कि क्या हुआ है मुझे मैं मैं इस टाइम सो रहा था क्या हुआ मुझे तो विंग बताता है कि वो प्रेग्नेंट है तो वांग जी इस बात पे विश्वास ही नहीं करता है फिर विंग सारी बात बताता है कि तुम कितना वीक थे और डॉक्टर आए थे और डॉक्टर चेक किए हैं चेक करके ही उन्होंने बताया है तो वांग जी बहुत खुश हो जाता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है रोने लगता है अपने बेली को पकड़ के और बोलता है कि मैंने अपनी लापरवाही में अपने बच्चे को हार्म करने की कोशिश की अब से मैं पूरा अपना ध्यान रखूँगा तभी तो बोलता है चिंता मत करो हम सब भी पूरा तुम्हारा ध्यान रखेंगे तभी आई वन जो कि रोने लगता है ये सुनते ही ना विंग जो है ना वो पालने में से आयमन को उठाता है और अपने गोद में लेके आता है बोलता है चिंता मत करो तुम तो हमारे बड़े बेटे हो तुम तुम क्यों रो रहे हो तुम मत रो हम लोग तुम्हें भी बहुत प्यार करेंगे है ना वांग जी तो वांग जी हाँ सही ला देते हैं और फिर आयमन के फोरेट पर किस करता है उसके बाद टाइम इसी तरह बीतते जाता है दो से तीन महीना हो जाता है वांग जी अपना पूरा ध्यान रखता है उसे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है बट वो खुद को बहुत कंट्रोल करता है कि अपने गुस्से को अपने पास ही रखे और हर एक चीज़ को नॉर्मली करें और फ़ूड को जितना हो सके उतना खाए क्योंकि उसके बॉडी में अभी ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो इसलिए वो फूड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और हेल्दी फूड खाता है कुछ भी चटपटा खाने को मन करता है ना तो वो खुद को कंट्रोल करता है लेकिन हाँ रात को बारह बजे उसे भूख जरूर लगता था उठ के वो उठता था उठ के फिर विंग को उठाता था ज़बरदस्ती विंग उठता था उससे पूछता था, था कि क्या हुआ तो वांग जी अपना एक अक्ख फरमाइश बताता था कभी उसे चॉकलेट खाने का मन करता कभी उसे आइसक्रीम खाने का मन करता कभी उसे फ्रूट्स खाने का मन करता विंग उसकी सारी ख्वाहिश को भी पूरा करता उसके पैरों में सूजन रहने लगे थे तो उसके पैरों का मसाज करता वो दोनों मिलके आय का भी ख्याल रखते हैं और ऐसे ही करते करते टाइम बीतता जाता है और नौ महीने हो जाते हैं वांग जी का बेबी बम जो है ना काफ़ी ज़्यादा फूल गया था बाहर आ गया था और इस वक्त वांग जी काउच पे बैठा था वो दोनों ही अपने रूम को जो है ना नीचे शिफ्ट कर चुके थे तो वो दोनों आ, वो नहीं सिर्फ वांगजी ही बैठा हुआ था काउच पे विंग इस वक्त किचन में था वांगजी के बगल में ही उसकी सास यानी कि मिसेस वे कांग से सरन वो बैठी हुई थी और उसके हाथ में ही आईवन था वांगजी आईवन को खिला रहा था उसको उससे हंसी मजाक कर रहा था आईवन भी अभी टूटी फूटी वर्ड बोलने लगा था जैसे कि आ ओ ई करने लगा था और वांग जी उसके साथ काफ़ी मस्ती कर रहा था लेकिन अचानक से उसे अपने बेली में दर्द होने लगता है फिर वो सोचता है ये दर्द तो उसे हमेशा होता रहता है क्या ही कहें प्रेगनेंसी के दौरान पेट में उसके दर्द होता रहता है थोड़ा थोड़ा तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है तब विंग आता है अपने हाथ में कप केक्स ले बोलता है ये लो आ, ये लो लंजा ये लो खा लो उसके बाद वाजी जो है ना कप केक उठाता है उसे खाने लगता है लेकिन उसे अपने पेट में दर्द और थोड़ा सा बढ़ने लगता है तो वांग जी सोचते हैं ये कैसा दर्द हो रहा है उसे ऐसा बोल के वो अपने पेट पकड़ लेता है तो वींग पूछता है क्या हुआ तो वांग जी बोलता है मुझे मुझे दर्द हो रहा है मेरे पेट में पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द हो रहा है और साथ ये धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कांगजी सरन बोलती है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है कब से दर्द हो रहा है तो वांग जी बताता है थोड़ी देर पहले से ही स्टार्ट हुआ है तो कांग से सर बोलती है तुम्हारा लेवर पेन स्टार्ट हो रहा है विंग चलो जल्दी जल्दी जल जल उठाओ इसे लेकिन चलो जल्दी जल जल चलो हॉस्पिटल फिर वो फटाफट विंग उठाता है वांग जी को हॉस्पिटल लेके जाता है वांग जी एकदम शांत था वो जैसे मतलब चिल्लाते हैं ना सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला ही नहीं आता नॉर्मली एकदम बैठा हुआ था और बोल रहा था बहुत हल्का हल्का दर्द हो रहा है मेरे पेट में अब थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ने लगा है तो मिसेस वे बोलती हैं और तुम चिल्ला नहीं रहे हो तो वहाँ जी बोलते ज़्यादा तेज नहीं हो रहा तो मैं चिल्लाऊँ क्यों तो कांग्रेस में बोलते है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर चेकअप करता है फिर ओ टी को रेडी करता है ओ टी को रेडी किया जाता है उसके बाद वहाँ पे वहाँ जी को शिफ्ट किया जाता है थोड़ी देर बाद उसे इन्हीं स्थिति या दिया जाता है उसको आ, वो भी इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो नीचे का बॉडी पार्ट जो है सुन्न हो जाता है जो वो वाला भी उसे इंजेक्शन दिया जाता है उसके बाद उसका ऑपरेशन स्टार्ट होता है वांग जी जो कि काफ़ी नॉर्मल था उसे उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था फिर भी उसका ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद बेबी को निकाला जाता है बेबी को निकालने के बाद क्योंकि वांग जी का जो बेली जो है ना आई मीन उसका वॉम जो है ना वो मुड़ चुका था ना इसीलिए उसका नॉर्मल डिलीवरी था ही नहीं डॉक्टर पहले ही बता दिए थे कि उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा ऑपरेशन से ही होगा तो इसीलिए वांग जी पहले से ही प्रिपेयर था उसके बाद वांग जी का ऑपरेशन करके बेबी को निकाला जाता है उसके बाद सारा काम कंप्लीट करके उसे नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट किया जाता है उसके बाद विंग को बताया जाता है कि उसे एक ओमेगा बॉय हुआ है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उसके बाद सब लोग वांग जी को देखते हैं वांग जी काफ़ी ज़्यादा वीक हो वीक हो गया था और वो बेहोश था करीब दो से तीन घंटे बाद विंग को वांग जी को होश आता है विंग उसी के पास था आईवन को लेकर के आईवन को देख के वांगजी बोलते हैं मे मेरा बच्चा कहाँ गया वो वो तो ओमेगा हुआ था ना क्योंकि डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि एक ओमेगा बॉय हुआ है तो विंग बताता है कि हाँ वो यही है उसके बाद एक नर्स लेके आती है उसे कुछ वो उसका चेकअप करना था ना तो उसे लेके गया लेके जाया गया था तो अभी वो लेके आती है वांगजी को देती है और बोलती है इसे फीड कराएं उसके बाद वांगजी जो है ना शर्माते हुए उसे फीड करवाते हैं जो अपना उसका बेबी जो है ना उसको फीड करवाते हैं फिर वांग जी पूछते हैं इसका नाम क्या रखें तो विंग बोलता है क्यों ना हम इसका नाम सिजुई रखें तो वांग जी स्माइल करता है और तो बोलते हैं सही होगा उसके बाद आईवन जो है ना जब वो देखता है ना कि कैसे वांग जी जो है न उसके छोटे भाई को फीड करा रहा है तो आईवन भी रोने लगता है वो मतलब अब उसे भी फीट करना है क्योंकि उसने तो किया नहीं है कभी उसे तो पता नहीं था कैसे भी फीट करते हैं तो वांग जी जो है ना जब सिजवी को फीट करा लेता है ना जब वो सो जाता है ना तो उसे सुला देता है उसके बाद वो आईवन को फीड कराता है कि मतलब वो भी मिल्क पी ले उसके बाद उसे भी पिलाता है वो और फिर उसे भी सुला देता है ऐसे ही फिर टाइम बीतता है करीब एक हफ्ते बाद विंग को विंग वांगजी और सिजुई सबको लेकर के आ जाता है घर वहाँ पे ख्याल रखना स्टार्ट कर देता है कुछ सेरेमनी होते हैं और फिर सिजुई का नाम सिजुई रखा जाता है उसके बाद वांगजी विंग बोलता है कि अब हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए फिर वांगजी भी ओके बोल देता है क्योंकि चाहे कुछ भी हो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हुआ है उसको ये एक बच्चा उमेगा ही सही बट उसका ही बच्चा है यही सोच के बहुत खुश थे वो लोग और फिर वो लोग काफ़ी काफ़ी टाइम तक वो दोनों को एकदम अपने साथ ही रखते थे मतलब विंग जो है ना ज़्यादा ऑफिस जाता नहीं था वो घर से ही ऑफ़िस कर लेता था ऑफिस का सारा वर्क कर लेता था और मिस्टर वे जाते थे ऑफिस जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स और um, इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स uh, जो भी मिलना रहता है वो सब काम मिस्टर वे करते हैं ऑफिस में और वीन घर पे ही बैठ के सारा ऑफिस का काम जो है संभालता है उसके बाद वीन जो है ना अपने ऑफिस का काम भी संभालता है वांग जी को भी संभालता है यहाँ तक कि सिजुई और आयवन को भी संभालता है वो सारा काम संभालता है ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं इन लोग का बच्चा भी बड़ा होता जाता है करीब पाँच साल हो जाते हैं अभी विंग एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था तभी वहाँ पे फांग फांगजी आ जाता है धड़ान से गेट खोल के और बोलते हैं वी भूषण ये लीजिए अपने बेटे को संभाल लिए ऐसा बोल के वो आईवन को पकड़ा देता है विंग के गोद में और विंग बोलते हैं अरे ये ये क्या कर रहे हो मैं अभी मीटिंग में हूँ अभी विंग जो है ना एक कुर्सी पे बैठा हुआ था और वांगजी जो है ना आईवन को विंग के गोद में बैठा देता है और बोलता है अपने बेटे को अपने पास रखिए मेरे नाक में दम करके रखा है अभी आप ही संभालिए इसे मैं नहीं संभालने वाला ऐसे बोल के वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ऑफिस के सारे जितने भी आम, उस मीटिंग रूम में थे ना जितने भी लोग वो सभी सॉक्ट हो जाते हैं और बोलते हैं ये क्या था <laughs> यह भी हुआ क्या हमारे सीईओ यहाँ पे मीटिंग में और इनके साथ हुआ क्या है अभी तभी ना आयन की तरफ विंग देखता और बोलता है तुमने क्या किया इस बार तो आयन जो है ना अपना सर खुजाते हुए बोलता है मैंने मैंने तो कुछ भी नहीं किया डाटा मैंने कुछ नहीं किया तो विंग ना नैरो आइस करके देखता है और फिर पूछता है सच्ची सच्ची बताओ क्या किया फिर आयो न, एक स्माइल करते हुए मतलब अपना तीथ दिखाते हुए और स्माइल करते हुए बोलता है दादा वो गलती से ना मेरे मैंने ना मम्मा को ना दौड़ा दिया बहुत ज़्यादा इसीलिए वो मुझ पर गुस्सा आ गई हैं तो वी जो है ना बोलता है तुम्हें मैंने कितनी बार कहा अपने मम्मा को इतना मत परेशान किया करो सिजुए को देखो वो कितना आशांत रहता है तो जो आयन ने वो बोलता है तो तो मैं क्या करूँ मुझे मन ही नहीं करता है मामा को पसंद किए बिना नहीं मन नहीं लगता ना तो विंग ना अपना सर ठोक लेता और बोलता है इसका मैं क्या करूँ फिर विंग बोलता है तुम किस भी गए हो तो आयोन बोलता है ऑब्वियसली आप पे <laughs> है ना दादा ऐसे बोल के वो विंग को हक कर लेता है और विंग भी हंसने लगता है उसे प्यार से हक करता है उसे फॉर पे किस करता है और अपनी मीटिंग को कंटिन्यू रखता है अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है सोलह साल बाद का सीन अभी आईवन और सिजुई वो दोनों ही सत्रह साल के हो चुके हैं ओके सत्रह साल के हो चुके हैं और वाजी और वीन वो दोनों के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे मिस्टर वे का डेथ हो चुका है वो बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगे थे तो उनका डेथ हो गया है मिसेस वे अभी फ़िलहाल के लिए ठीक हैं पर उनका भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रहता है तो वो लोग भी वो भी अभी बेड रेस्ट पे हो गई हैं और लैन फैमिली भी अब आती जाती रहती है वे फैमिली में सभी खुश रहने लगे हैं सिचन के भी बेबीज हो चुके हैं सजन भी अब वापस चाइना चाइना शिफ्ट हो चुके हैं और जो वांग जी के जो सिस्टर थी उसका जिससे शादी हुआ था वो भी सुधर गया है उसके भी दो बच्चे हो चुके हैं और सभी काफ़ी हैप्पी हैप्पी रहने लगे हैं वांग जी की मोम का डेथ हो चुका है वांग जी के फादर ही अभी हैं और सिचन अपने ऑफिस को संभालना स्टार्ट कर चुके हैं अपनी कंपनी को और इस तरफ आईवन और सिजुई वो दोनों ही विंग के ऑफ़िस जाने लगे हैं और वो अपनी स्टडी भी करते हैं और विंग के साथ ऑफिस में हेल्प भी करते हैं किसी भी आ, कोई भी बिजनेस बिजनेस चीज़ बिजनेस से रिकॉर्डिंग कुछ भी चीज़ प्रोजेक्ट से रिकॉर्डिंग उसमें हेल्प करते हैं ऐसे ही टाइम बितता है और ये लोग इसी तरीके से धीरे धीरे अपना खुशी खुशी अपना टाइम बिताते रहते हैं ओके सो so, यहीं ये फैन फिक्सन इंड होता है सो तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको ये फैन फिक्सन कैसा लगा है अच्छा लगा या ख़राब लगा ठीक है कमेंट में बता देना भाई बिकॉज़ मुझे इस पर ज़्यादा कुछ अच्छा खास रिस्पॉन्स तो नहीं मिला बट फिर भी मैंने इसे कम्प्लीट किया है क्योंकि मेरा मन था कि मैं सबको एक न्यूज़ दूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट नहीं हो रहा है कोई लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो ये नहीं कि उस लड़की के साथ डिवोर्स ले लो तुम दूसरी शादी कर लो या उस लड़की को टॉर्चर करो उसे फोर्स करो कि उसे बच्चा दे और कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे एक लड़का ही बर्थ देना है अगर वो लड़की को भी बर्थ दे रही है तो कोई गलत काम नहीं कर रही है लड़कियां ही वंश को आगे बढ़ाती हैं अगर लड़कियां ना रहें ना तो ये लड़के क्या ही कर लेंगे कुछ नहीं कर लेंगे ठीक है तो आप लोग इसको कुछ भी नेगेटिव वे में मत लेना ओके पॉजिटिव वे में लेना और पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट भी करना ओके सो so, अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी में वंक्शन स्टोरी में ओके और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा ताकि मेरी स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और मेरी वीडियो पसंद आई है तो मतलब जो भी लगे मेरी वीडियो को सुन के जैसा भी आपको फील आया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है कि कैसा फील आया है आपको मेरी इस, इस स्टोरी से ठीक है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में बाय बाय गाइस टेक केयर योर सेल्फ